तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा कई शहरों में पाबंदियां लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते राज्य में सोमवार से ही सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े पर रोक लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि लोगों ने अगर कोरोना नियमों को नहीं माना तो पूरे राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये नियम सिर्फ आम लोगों के बनाए जा रहे हैं। दरअसल रविवार को बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में पहुंचे नेताओं ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेता और वीआईपी के लिए कोई अलग नियम और कानून है। इस शादी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिना मास्क के पहुंचे थे। इसके अलावा शादी के समारोह में संजय राउत और अरविंद सावंत भी नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए। इस शादी में 700 गेस्ट पहुंचे थे, जबकि सरकार ने पुणे में किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा रखी है। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने खुद एनसीपी के एक नेता के घर में शादी को लेकर सवाल उठाए थे। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद सोमवार को कई नेताओं ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सुप्रिया सुले और उदय सावंत ने जनता के साथ होने वाले अपने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ठाकरे ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों को अगले कुछ दिनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6971 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके साथ कुल मामले 21 लाख के पार चले गए हैं।